नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 19 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस करंट की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव पीसीएस। वहाँ ये पीडीएफ आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा COVID-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? ऑप्शन दिल्ली कोरोना, आरोग्य सेतु, कोरोना ऐप या रोबी। सही जवाब है इसका बच्चों कोरोना सेतु। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। तो विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप बन गया है आरोग्य सेतु। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है? पबजी तो हम सब लोग जानते ही हैं, है ना? तो पबजी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। एक बार केबीसी में पूछा गया प्रश्न है ये पबजी के ऊपर, ठीक है, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। तो पबजी पर बैन किसने लगा दिया है? ऑप्शन अमेरिका ने, जापान ने, पाकिस्तान ने या ऑस्ट्रेलिया ने। तो पबजी के ऊपर बैन लगाया है विद्यार्थियों पाकिस्तान ने, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पबजी पर बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ये गेम इस्लाम विरोधी है, मतलब देखिए आप, सरकार ने कहा है कि ये गेम इस्लाम विरोधी है, इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है, साथ ही इस गेम से समय की बर्बादी होती है। तो इन सब कारणों के चलते पाकिस्तान सरकार ने पबजी को बैन कर दिया। आपकी क्या राय है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बैन करना सही है या गलत है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है? हाइपरसोनिक का मतलब है जो ध्वनि की रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज चले। वे मिसाइलें जो ध्वनि की रफ्तार से 1 या 2 गुना तेज चलती हैं उन्हें सुपरसोनिक कहा जाता है, और जो 10 गुना या 15 गुना तेज चलती है उन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है। जो तो 17 गुना तेज चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है हाइपरसोनिक है। तो किसने तैयार किया है? ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जापान। इसको तैयार किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में आवाज़ की तुलना से 17 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट प्रशांत महासागर में किया जाएगा। अभी इसका नाम वाम अभी कुछ नहीं रखा गया है ना? तो अभी अपने जो है टेस्टिंग फेज में है, जब ये सक्सेस हो जाएगी तब जो है इसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नोएडा की टेक कंपनी के चेयरमैन शिव नायडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह रोशनी नायडर मल्होत्रा को चुना गया है। तो कौन सी टेक कंपनी है नोएडा की जिसके चेयरमैन शिव नायडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, SCL या विप्रो। तो इसके चेयरमैन हैं, मतलब ये SCL के चेयरमैन थे। नोएडा की टेक कंपनी SCL के चेयरमैन शिव नायडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह उनकी बेटी रोशनी मल्होत्रा को चुना गया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 2,925 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो रोशनी मल्होत्रा हैं ये दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भी शामिल है। चलिए आगे देखें। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची में भारत कम लागत की फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत में कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो या किसी देश में कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो कम से कम रुपए में वो फैक्ट्री जो है लगाई जा सकती है। तो इस रैंक से अगर हम देखें तो कौन से स्थान पर हैं हम?
ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों तीसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची में भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के स्थान पर दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वह कम से कम पैसे में लगाई जा सकती है ना, इसीलिए चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसके बाद नंबर आ जाए अमेरिका का और भारत का स्थान इसमें तीसरा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार जीत लिया है? ऑप्शन है 12वीं बार, 24वीं बार, 34वीं बार या 42वीं बार। उसको जीत लिया है रियल मैड्रिड ने 34वीं बार। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक 34वीं बार जीत लिया है। रियल मैड्रिड 3 साल बाद चैंपियन बनी है, उसने बार्सिलोना को लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से रोका है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? डिजिटल चौपाल का आयोजन किया किसने? ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, LIC, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों नाबार्ड। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वे उन परियोजनाओं के बारे में अनुभव साझा कर रहे हैं जिसमें वे शामिल हैं। तो डिजिटल चौपाल शुरू किया है नाबार्ड ने। अगला सवाल देखें, काफी महत्वपूर्ण। रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे ने 7 अतिव्यस्त मार्गों को कब तक सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन 2023, 2024, 2025 या 2026। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 2025। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के काल में मार्च 2025 तक देश के 7 अतिव्यस्त मार्गों को हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य रखा है। इन मार्गों से भारतीय रेलवे का कुल 60% से अधिक यातायात चलता है। देखो सेमी हाई स्पीड मार्ग का मतलब ये जो लिखा हुआ है सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदला जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेल रूट है इनको बेहतर बनाया जाएगा, यहाँ पर जो लाइनें हैं जो पटरियाँ हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। और इनको बेहतर बनाने से होगा क्या? होगा ये कि इन ट्रैक्स पर रेलवे की स्पीड को बढ़ाया जा सकेगा। अभी जो मैक्सिमम जो परमिसेबल स्पीड है वो 160 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा कोई ट्रेन हमारे यहाँ चल ही नहीं सकती। तो इसको किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं? तो रेल ट्रैक को बेहतर करके हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो उसी दिशा में ये जो है काम किया जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में कराने की घोषणा की है? ऑप्शन अमेरिका, श्रीलंका, UAE या ऑस्ट्रेलिया। तो IPL जो है वो इस बार कहाँ हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, UAE या ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में तो भयंकर कोरोना है तो कहाँ करा सकते हैं? तो ये संभवतः होगा इस बार UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई में होगा, ये ध्यान रखना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI ने IPL का आयोजन इस बार UAE देश में कराने की घोषणा की है, लेकिन BCCI ने अभी शेड्यूल बनाया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से BCCI को ये फैसला लेना पड़ा है, यानी आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो IPL है हमें दुबई में देखने को मिले। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? देखिए ये डकार युवा ओलंपिक क्या है, तो डकार एक जगह का नाम है, ठीक है। ये डकार जगह है कहाँ? सेनेगल में, अफ्रीकी देश सेनेगल। तो जैसे आपने सुना होगा ना टोक्यो ओलंपिक, रियो ओलंपिक, वैसे ही डकार युवा ओलंपिक। तो डकार जो है एक जगह का नाम है। अब जैसे हम कहते हैं रियो ओलंपिक तो इसका मतलब क्या है? ब्राज़ील के रियो में ये ओलंपिक हो रहे हैं। टोक्यो कहते हैं तो टोक्यो में हो रहे हैं, वैसे यहाँ पर है डकार।
तो डकार जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, अफ्रीकी देश सेनेगल में है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डकार में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। इनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट थॉमस बैच हैं तथा इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। स्थगित करने का कारण क्या है? तो वही कोरोना ही है, आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये थे हमारे विद्यार्थियों टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 19 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।